पिछले कई सालों से बंद पड़ी लाल इमली मिल के सैकड़ों मजदूर मिल के बाहर बैठकर सरकार विरोधी नारेबाजी कर धरना देते नजर आए। धरने की अध्यक्षता कर रहे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष अजय ने बताया कि उनका ये प्रदर्शन पिछले 8 दिनों से चल रहा है। बीते 29 महीनों से हम मजदूरों को वेतन और 2 सालों का बोनस नहीं मिला। साल 2017 से जो भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनका भी भुगतान नहीं हुआ। इस तरह से करीब 900 कर्मचारी हैं जो परेशान हैं। कुछ कर्मचारियों की तो आर्थिक तंगी से जूझते हुए मौत भी हो चुकी है। ऐसी तमाम शिकायतों को लेकर हम पीड़ितों ने जिलाधिकारी से लेकर सांसद सत्यदेव पचौरी तक को ज्ञापन सौंपा है। बावजूद इसके अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस धरने के माध्यम से हमारी मांग है कि हमारी सरकार हम सब मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम उठाए और हमारी मदद करे। आपके कलेजा के थे आज इस मंच के माध्यम से कहते हैं, एक हफ्ता में हम अगर तुम्हारे रोड़ा अजय सिंह है क्या अजय सिंह अपना त्याग पत्र देने पर तैयार है दोस्तों। हमारा ये प्रदर्शन 2 तारीख से चल रहा है। हमारे कर्मचारियों को 29 महीने से वेतन नहीं मिला है, इसलिए यह प्रदर्शन चल रहा है। 2 साल का बोनस नहीं मिला है, 7 साल का लीव एंड कैशमेंट नहीं मिला है, और सबसे बड़ी चीज है कि 2017 से हमारे जो भी कर्मचारी भाई रिटायर हुए हैं उनको 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। इन सब मांगों को लेकर हमारे साथी 2 तारीख से आंदोलनरत हैं, और जब तक क्यों कि हमने जिले के मुखिया डीएम साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं, सबको ज्ञापन दे चुके हैं, संसद कानपुर नगर को ज्ञापन दे चुके हैं। अगर जल्द से जल्द हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमारे कानपुर नगर जिनको हमने अपने वोटों से जिताया है, संसद कानपुर नगर सदैव पचौरी का आवाज को घेर लेंगे हम मजदूरों के साथ। ये लगभग करीब 900 की तादाद लगभग है, चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, सारे लोग तकलीफों में हैं। और इन 4-5 सालों के अंदर हमारे 71 साथी हमको छोड़ के विदा हो गए हैं।